चलिए आज चंपावत का पार्ट टू स्टार्ट कर देते हैं। और पार्ट टू में हम देखेंगे मेले वगैरह, देखेंगे इसके जो प्रमुख हैं, जो मेन मेन चीजें हैं वो करते हैं, ठीक है। और मुझे पता है चंपावत लगभग 5 से 14 मिनट के अंदर, अगर दोनों वीडियो को मिलाए जाए, दोनों पार्टों को, तो 1 से 14 मिनट के अंदर हमारा चंपावत खत्म हो गया। ये शॉर्ट में मैंने बताया, ठीक है, जो लगभग शॉर्ट में रिविजन और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे, ठीक है। और अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, मैं ना नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि इस वीडियो के जरिए से इसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये रिवीजन है और काफी अच्छे, मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं करवा रहा हूँ। मेले अगर हम देखें सबसे पहले, ठीक है, लड़ी धुरा का मेला चंपावत में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लड़ी धुरा, लड़ी धुरा का मेला चंपावत में लगता है, और कहाँ लगता है ये? पद्मा देवी के मंदिर में, पद्मा देवी के मंदिर में, पद्मा देवी मंदिर में। लड़ीधुरा मेला पद्मा देवी मंदिर में लगता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा बहुत ही मेन है, वो है मानेश्वर, मानेश्वर मेला। मानेश्वर मेला कहाँ लगता है? मानेश्वर मेला लगता है मानेश्वर मंदिर में, और ये है हमारा कहाँ है? लोहा घाट में है, ठीक है। और लोहा घाट किसके किनारे है? लोहावती नदी के किनारे है। मानेश्वर मेला हमारा होगा। दुधारू पशुओं की पूजा इसमें होती है, ठीक है, दुधारू पशुओं की, दुधारू, दुधारू पशु पूजा लिख देता हूं मैं, पशु पूजा, दुधारू पशुओं की पूजा होती है मानेश्वर मेले में, और ये मानेश्वर मंदिर में लगता है, ठीक है। मानेश्वर मंदिर है लोहा घाट में, और लोहा घाट है हमारे लोहावती नदी के किनारे, ठीक है। और इसके बाद है श्री पूर्णागिरी, पूर्णागिरी मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट। पूर्णागिरी मेला कहाँ लगता है? पूर्णागिरी मंदिर में लगता है। पूर्णागिरी मंदिर कहाँ है? टनकपुर, टनकपुर को बोला जाता है पूर्णागिरी का प्रवेश द्वार। किसे बोला जाता है? टनकपुर को बोला जाता है। और कौन से पर्वत पे ये मंदिर है? वही ये मेला लगेगा, अन्नपूर्णा शिखर पर, ठीक है। इतना आपने याद रखना है, अन्नपूर्णा शिखर या अन्नपूर्णा पर्वत आप बोल सकते हो, ठीक है। अन्नपूर्णा शिखर पर पूर्णागिरी मंदिर है जहां पूर्णागिरी मेला लगता है, और पूर्णागिरी मंदिर है हमारा टनकपुर में, ठीक है। इतना आपने याद रखना है, ठीक है। इसके और इसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बारी पूछा जाता है, अषाढ़ी कौथिगी, अषाढ़ी कौथिगी, अषाढ़ी कौथिगी मेला, अषाढ़ी कौथिगी मेला। और इसे बोला जाता है बगवाल मेला भी, इसे ही बोला जाता है, ठीक है, बगवाल, बगवाल मेला, अषाढ़ी कौथिगी और बगवाल मेला इसे ही बोला जाता है। और इस मेले में क्या होता था? पाषाण युद्ध, पाषाण युद्ध, पाषाण युद्ध बोले तो पत्थरों की बारिश की जाती है इस मेले में, एक दूसरे पर पत्थरों की बारिश की जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, 2013 से दो ठीक है 2013 से 2013 से पत्थरों को बंद कर दिया गया, और फूलों को, फूलों की बारिश शुरू हुई। 2013 से पहले इस मेले में एक दूसरे पर पत्थर फेंके जाते थे, पाषाण युद्ध जिसे बोला जाता है, और 2013 से वो पत्थर हटा के, क्योंकि पत्थर से क्या चोट चोटें लग जाती है ना यार, होता ही एक दूसरे, तो वो बैन कर दिया गया, बैन मतलब हटा दिया गया, ठीक है। और तब से फूलों, फूल फेंके जाते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। पाषाण युद्ध हमारा होगा, सबसे ये हो चुका है। इसके बाद थोड़ा मंदिर देख देते हैं हम, ठीक है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद मंदिर देखते हैं हम, ठीक है। मंदिरों को अगर हम देखते हैं, सबसे पहले सप्तेश्वर मंदिर कहाँ है? चंपावत में। और सप्तेश्वर मंदिर क्यों बोला जाता है? चंपावती गाड़ के, या चंपावती नदी आप बोल सकते हो, सब ठीक है, चंपावती नदी। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सॉरी मैं भूल गया था, चंपावत कौन कौन सी नदी के किनारे है हमारा? गडकी गाड, ठीक है, गडकी गाड किनारे नहीं, गडकी गाड प्लस चंपावती नदी, ठीक है। गडकी गाड और चंपावती नदी के संगम पे है हमारा चंपावत, और इसी नदी के किनारे है, किनारे हैं 7 प्राचीन मंदिर हैं, और उन्हें बोला जाता है सप्तेश्वर मंदिर, सप्तेश्वर मंदिर, सप्तेश्वर मंदिर इन्हें ही बोला जाता है, ठीक है। सप्तेश्वर मंदिर इन 7ों को बोला, और इन 7ों में सबसे प्राचीन है जो वो है बालेश्वर मंदिर, इतना आपने याद रखना है। और इसके बाद है हमारा घटोत्कच, घटोत्कच,
घटोत्कच मंदिर, घटोत्कच मंदिर भी हमारा कहाँ है, चंपावत के अंदर है। घटोत्कच कौन है, भीम के पुत्र थे और इन्हीं की माँ, इनकी जो माता है हिडिंबा, 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 ठीक है। हिडिंबा मंदिर भी हमारा कहाँ है, हिडिंबा मंदिर भी हमारा चंपावत के अंतर्गत हो जाएगा। और एक और सबसे मेन है जो रीठा मीठा साहिब, ठीक है, रीठा मीठा, रीठा मीठा साहिब, साहिब है या रीठा मीठा गुरुद्वारा है, ठीक है। रीठा मीठा साहिब गुरुद्वारा है, वो कहाँ है, गुरुद्वारा है, ठीक है। ये गुरुद्वारा, ये भी हमारा कहाँ है, चंपावत के अंतर्गत। बस इतना याद रखना है आपने मंदिरों से। और सबसे मेन है जो यहाँ सबसे मेन, हम एक हथिया देव, सॉरी एक हथिया नौला, एक हथिया, हथिया नौला, एक हथिया नौला, इसकी इमेज मैं आपको अभी बताऊंगा। एक हथिया नौला किसने बनाया, जगन्नाथ मिस्त्री ने, जगन्नाथ मिस्त्री ने बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूँ। जगन्नाथ मिस्त्री ने बनाया अपनी पुत्री की सहायता से, ठीक है। जगन्नाथ मिस्त्री ने बनाया अपनी पुत्री की सहायता से। और एक हथिया नौला से आपको याद आ रहा होगा एक हथिया देवाल, तो एक हथिया देवाल है जो आपका, वो है अल्मोड़ा में, ठीक है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़, दो में थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि पिथौरागढ़ अलग हुआ तो उसका एरिया, उसके एरिया में आता है या अल्मोड़ा, वैसे अल्मोड़ा है उसका, ठीक है। अल्मोड़ा में है एक हथिया देवाल और एक हथिया नौला है हमारा कहाँ, चंपावत में, बनाया किसने, जगन्नाथ मिस्त्री ने और पुत्री की सहायता से। होता क्या है, दोनों की कहानी सेम है कि जो चंद्रवंशी राजा होते हैं वो बहुत ही घमंडी होते हैं, वो इनसे एक मंदिर बनाते हैं और वो है हमारा बालेश्वर है या कौन सा कोई ऐसा ही मंदिर है, एक मंदिर बनाते हैं। तो ये उस मंदिर को बहुत ही अच्छा बनाते हैं और चंद्रवंशी राजा चाहते हैं कि ये इस कला से कोई दूसरा मंदिर ना बनाए, तो ये क्या करते हैं, इनका एक हाथ काट देते हैं जगन्नाथ मिस्त्री का। और जगन्नाथ मिस्त्री चंद्रवंशी राजा का घमंड तोड़ने के लिए अपने एक हाथ से ही अपनी पुत्री की मदद से एक हथिया नौला का निर्माण करते हैं। उसकी फोटो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, एक हथिया नौला बनाते हैं और तब से कहा जाता है कि एक हथिया नौला कहाँ है, वो है हमारा चंपावत में। और एक हथिया देवाल, देवाल कहाँ है, वो अल्मोड़ा है। देवाल का मतलब क्या है, शिवा, शिवजी मंदिर है, शिव मंदिर है, लेकिन उसकी पूजा नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो दक्षिण मुखी है, उसका जो दरवाजा है वो दक्षिण दिशा में है। और आपको पता है जो इस मंदिर का दरवाजा दक्षिण दिशा में खुलता है, दक्षिण दिशा में होता है, वहां शिव की पूजा नहीं की जाती, ऐसा उनके वहां रहने वाले लोगों का कहना है, ठीक है। तो ठीक है, आपका चंपावत समाप्त हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको कुछ डिटेल पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके।